नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। आज बात करेंगे अमेरिका की CIA द्वारा रची गई उस साजिश की जिसका मकसद था इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को आहत करना, उसको डेवलप होने से रोकना। अमेरिका किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता था कि इंडिया क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी हासिल कर पाए या इसरो उसको अपने आप विकसित कर पाए, और ऐसा होने से रोकने के लिए अमेरिका ने 1994 में CIA ने 1994 में एक साजिश रची। 18 जनवरी 1991 को इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और रशिया की स्पेस एजेंसी ग्लाव कॉस्मोस के बीच एक समझौता साइन होता है। इस समझौते के तहत रशिया इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला था। उस वक्त तक ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास थी, अमेरिका, रशिया और जापान। दोस्तों, अंतरिक्ष में हैवी पेलोड्स को भेजने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता होती है। जो भारी सैटेलाइट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स होते हैं, उनको आप बिना इस इंजन के अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते। इसका दूसरा इस्तेमाल डिफेंस में भी किया जाता है, बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए। हिंदुस्तान और रशिया के बीच में जब ये डील साइन हुई, तो साइन होते ही ये डील अमेरिका की आंखों में कांटे की तरह चुभने लग गई। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, और जैसे ही ये डील साइन हुई, उन्होंने दुनिया में इसके खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि कैसे इंडिया और रशिया ने इस डील को साइन करने के लिए काफी सारे इंटरनेशनल लॉज को, अंतरराष्ट्रीय कानूनों को ताक पे रखा है, उनका उल्लंघन किया है, जो बात सच नहीं थी। लेकिन ये वो वक्त था जब रूस के टुकड़े हो चुके थे, रूस उतना पावरफुल नहीं रहा था, और रूस में अमेरिकन लॉबीज का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, वो काफी ज्यादा एक्टिव थी। इसी बीच अमेरिका में जॉर्ज बुश दोबारा चुनाव हार गए और बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बन गए। अब बिल क्लिंटन और उनकी बीवी हिलरी क्लिंटन ने भी इस डील के खिलाफ काफी प्रचार करना शुरू कर दिया और रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया। रशिया इस दबाव के नीचे हार मान गया और उन्होंने इस डील से हाथ खींच लिए। अब उन्होंने हिंदुस्तान में इस टेक्नोलॉजी को, इस इंजन को मैन्युफैक्चर करने से भी मना कर दिया। रशिया का इस डील से हाथ वापस खींच लेना इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, लेकिन इसरो ने इस सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और ये डिसाइड किया कि अब वो इन हाउस ही अपने दम पर बिना किसी बाहरी मदद के क्रायोजेनिक इंजन को बनाएंगे, विकसित करेंगे। और इसरो ने अपना क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया उस टाइम के इसरो के टॉप साइंटिस्ट नाम्बी नारायणन को। नाम्बी नारायणन के नेतृत्व में इसरो ने क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया था, और 1994 में काम काफी तेज गति से चल रहा था कि तभी 2 अक्टूबर 1994 को तिरुवनंतपुरम में केरला पुलिस ने मालदीव्स की एक औरत को गिरफ्तार किया जिसका नाम था मरियम रशीदा। उसके कुछ दिन बाद रशीदा की एक सहेली को भी गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था फौजिया हसन। इन दोनों के ऊपर आरोप था कि ये इसरो के कुछ टॉप साइंटिस्ट को हनी ट्रैप करके सीक्रेट्स लीक कर रही है पाकिस्तान की ISI को। इन दोनों गिरफ्तारियों के कुछ दिन बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देश पे केरला पुलिस ने नाम्बी नारायणन और उनके सहयोगी शशि कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया, और उनके ऊपर जासूसी के आरोप लगाए गए, देश से गद्दारी के आरोप लगाए गए। उनसे कहा गया कि आप इसरो के सीक्रेट्स और रॉकेट के डिजाइंस पाकिस्तान की ISI को लीक कर रहे हैं, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको जेल में डाल दिया गया। इन दोनों साइंटिस्टों को जेल में काफी दिनों तक टॉर्चर किया गया, स्पेशली नाम्बी नारायणन को। जब ये सब चल रहा था, तभी इसरो के 4-5 टॉप साइंटिस्ट ने केरला गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी जिनमें इन दोनों के बेगुनाह होने की बात कही गई। यही नहीं, उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन ने भी केरला गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी, और उन्होंने उसमें कहा कि मैं नाम्बी नारायणन को पर्सनली जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और बेगुनाह हैं, और इसमें जरूर कोई साजिश है, उनको फंसाया जा रहा है। उस वक्त केरला में कांग्रेस की सरकार थी और TN सेशन खुल के नाम्बी नारायणन की सपोर्ट में आ चुके थे। TN सेशन को BJP की भी सपोर्ट मिलने लगी, कांग्रेस के और जो विरोधी दल थे उनकी भी सपोर्ट मिलने लगी, और वो नाम्बी नारायणन को छोड़ने की मांग कर रहे थे। इसी दबाव के चलते कांग्रेस ने, केरला गवर्नमेंट ने ये जांच CBI के हवाले कर दी। 20 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद CBI ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नाम्बी नारायणन और शशि कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि ये दोनों गद्दार हैं या ISI को कोई भी सीक्रेट्स लीक कर रहे थे। उस रिपोर्ट में कहा गया कि इन दोनों मालदीव्स की औरतों के बयान के अलावा कोई भी इंडिपेंडेंट सबूत नहीं मिला है जो इन आरोपों को सपोर्ट कर सके। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस पूरे केस से किसी साजिश की बदबू आती है, कोई इंटरनेशनल बाहरी हाथ होने की बदबू आती है। CBI की इस रिपोर्ट के बाद केरला में इस मुद्दे पे बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया, और जेल में 50 दिन गुजारने के बाद नाम्बी नारायणन को जमानत मिल गई। इसी बीच कांग्रेस भी केरला में चुनाव हार गई और जो नई सरकार बनी वो थी CPI की। केरला की नई सरकार ने भी CBI की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और इस रिपोर्ट को, CBI की जांच को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने भी नाम्बी नारायणन के ही पक्ष में फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिससे इंडिपेंडेंटली ये साबित हो सके कि नाम्बी नारायणन जासूसी कर रहे थे, कोई भी सीक्रेट ISI को लीक कर रहे थे, और उनको बाइज्जत बरी कर दिया। केरला गवर्नमेंट हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, जहां पर भी नाम्बी नारायणन की ही विजय हुई।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को आदेश दिया कि सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड से नाम्बी नयन के बारे में जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, गलत बातें हैं, वो हटाई जाएं। और साथ ही इसरो को भी ये सेम आदेश दिया और इसरो को ये कहा कि फिर से नाम्बी नारायण की ऑनरेबली बहाली की जाए, पूरे आदर सम्मान के साथ इनको इनकी नौकरी वापस दी जाए। अब नाम्बी नारायणन इसरो में वापस तो आ चुके थे, लेकिन उनको क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट से दूर ही रखा गया। और उनके दूर रहने का नुकसान किसी को हुआ तो वो हुआ हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम को। उनके अरेस्ट होने की वजह से हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम 20 साल पीछे चला गया। 1994 में नाम्बी के नेतृत्व में इसरो क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने के बहुत ज्यादा नजदीक था, लेकिन वो अरेस्ट हो गए और इंडिया 20 साल लेट हो गया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी विकसित करने में। अपने साथ हुई नाइंसाफी की शिकायत लेके 2001 में नाम्बी नारायण ह्यूमन राइट्स कमीशन गए और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए केरला गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए कि नाम्बी नारायणन और शशि कुमार दोनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। लेकिन नाम्बी नारायण सिर्फ मुआवजा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि केरला पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन्होंने उनके खिलाफ झूठा केस बनाया। और इसी मांग को लेकर वो केरला हाई कोर्ट भी गए। केरला हाई कोर्ट ने नाम्बी नारायण के साथ सहानुभूति जताई, लेकिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने से मना कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि केरला पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत आती है और हाई कोर्ट उनको निर्देश नहीं दे सकती। नाम्बी नारायण हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही क्रिएटिव फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई अब नहीं की जा सकती क्योंकि ज्यादातर अधिकारी रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन जो मुआवजा है 10-10 लाख का, उन्होंने केरला सरकार को निर्देश दिया कि ये मुआवजा उन पुलिस अधिकारियों से ही वसूला जाए जिन्होंने नाम्बी नारायण और शशि कुमार के खिलाफ झूठा केस बनाया था। दोस्तों इस केस के बाद जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी और इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त रॉ ने उनको काफी सारे सबूत दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी सारे सबूत दिए कि हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो में अमेरिका की CIA ने काफी सारे मोल्स यानी कि मुखबिर प्लांट कर रखे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को नकार दिया और ये मानने से इनकार कर दिया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में CIA का किसी बाहरी ताकतों के मोल हो सकते हैं। लेकिन उनके बाद जब BJP की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उनके सामने भी ये रिपोर्ट आई। उन्होंने उस रिपोर्ट को सीरियसली लेते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो की क्लीनिंग शुरू कर दी और सारे मुखबिरों को एक एक करके इंटेलिजेंस ब्यूरो से निकाल फेंका। यहाँ पे अमेरिका की दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका हिंदुस्तान को उस एलीट स्पेस क्लब में नहीं देखना चाहता था जहाँ पे अमेरिका खुद था। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान का इसरो अमेरिका के नासा के लेवल तक पहुंचे, उस एलीट क्लब में पहुंचे। दूसरी प्रॉब्लम अमेरिका को ये थी कि हिंदुस्तान क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए भी कर सकता है और ये ऐसी मिसाइल्स हो सकती हैं जिनकी पहुंच अमेरिका तक भी हो। ये दोनों बातें अमेरिका को गवारा नहीं थी और ऐसा ही होने से रोकने के लिए अमेरिका ने 1994 में अमेरिका की CIA ने साजिश रची। खैर अमेरिका और CIA हिंदुस्तान को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी विकसित करने से रोक तो नहीं पाए, लेकिन उसको 20 साल पीछे जरूर कर दिया। अगर CIA ने साजिश ना रची होती और हमारे खुद के लोग, केरला पुलिस के लोग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग CIA के हाथों ना बिके होते तो हमारा स्पेस प्रोग्राम आज नासा के लेवल का होता, शायद नासा से भी ऊपर होता। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।